कितनी जा रही है डोडे की धरती का नौजवान है जे एंड के का अखाड़ा बाबा फलाई ते नाल भाई सुमित पहलवान ने गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली वाक्य अज का जो फाइनल मुकाबला है मैं चांद में शुरू होने चलिया भाई एक बार जोरदार ताड़ियां ला दो दोनों पहलवानों के लिए कोई भी पहलवान खाड़े में चलाए और सारे पहलवान बैठे छोटे वाक्य फाइनल मुकाबला जरा मैदान में शुरू हो गया है सुमित गुज्जर और नदीम डोडा के बीच जो बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है इस समय आप देख रहे हैं वाह भाई और भाई नदीम को पाल दी जा रही है इस नगर इलाके बाबा घर जी तो पावन पवित्र धरती से वाक अज रुस्तम को एक बारी जोरदार ताड़ियां ला दी दंगल कमेटी के नाते मुबारकबाद देंगे पूरी दंगल कमेटी नू आज का जेड़ा ठुंझवा विशाल केसरी दंगल है जेतू वाले जेड़ा सुमित गुज्जर है आज का फाइनल मुकाबला कमेटी वालों ये सालाना तीन दिवसीय मेला जो था घर जीतू का आज उसका तीसरा दिन है और हमेशा की तरह आज भी यहाँ तीसरे दिन पे इन्होंने दंगल रखा है ये 58 घर जीतू केसरी दंगल है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है बहुत दूर दूर से पहलवान आए हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की है और लोगों के जुनून से इसमें खेल में दिलचस्पी जाहिर होती है जैसे कि हजूम देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और मैं ये सबको एक मैसेज देना चाहता हूं कि सब लोग खेल कूद में हिस्सा लें और ये तो ट्रेडिशनल एक गेम है और इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लें और इससे बच्चों में और आने वाली पीढ़ी में खेलने का जुनून जज्बा पैदा होगा और मुझे उम्मीद है कि वो नशे की बुरी लत और इन चीज़ों से वो जब खेल में मुलव्वस रहेंगे तो इन चीज़ों से वो दूर रहेंगे। ये जो दंगल है ना इसमें जो खास चीज़ देखी जाती है जहाँ कुछ हमारी माताएं बहनें आती हैं वो जहाँ मंथन मांगती हैं सुखन करती हैं कि अगर हमारे घर बच्चा होगा हम अगले साल बच्चे को लेके इधर आएंगे तो हमने देखा है कि एक हमारा कोई भाई बच्चा लेके आया था उसने खाड़े में बच्चे का मत्था टकाया खाड़े की मिट्टी बच्चे के मत्थे पे लगवाई और जो बच्चा था वो पहलवान की गोद में दिया और पहलवान ने उसको खाड़े का चक्कर कटवाया और उसके बाद उस भाई ने हमारे ने कुछ राशि उस पहलवान को दी। इसी तरह से हमारी बहनें और बच्चियां उन्होंने भी इस खाड़े का चक्कर लगाया। ये एक प्राचीन परंपरा है कि दंगलों में भगवान कृष्ण जी का फेरा होता है क्योंकि ये जो कुश्ती का खेल है ये रामायण और महाभारत टाइम से हो रहा है तो वो हमारी माता बहनों ने भी चक्कर लगाया
और उन्होंने दुआ की कि हमारे जो बच्चे हैं ये और आगे बढ़े, तंदुरुस्त रहें। उन्होंने भी काफ़ी प्रसाद वगैरह ड्राई फ्रूट लाया था, उन्होंने भी वो पहलवानों को बांटा, कहीं नगद राशि भी दी। तो ये एक ऐसा दंगल है कि जिसमें ऐसा कुछ बाकी दंगलों में बहुत कम देखने को मिलता है। और दंगल मेले के आखिरी दिन होता है और पिछले 58 सालों से ये लगातार हो रहा है। और मैं देख रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहां भी पहलवानी है कि जो पहलवान इधर आके कुश्ती ना लड़ा हो। और दंगल कमेटी की भी एक कोशिश रही कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पहलवान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, उनको एक्सपोजर मिले, ताकि आने वाले दंगलों में उनको पता लगे कि हमारे अंदर कमी क्या है, ताकि जो आगे वाले दंगल हैं उसके लिए उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जो बड़ी कुश्ती है उसमें 25,000 रुपये का नाम है और जो पहलवान जीतेगा उसको गार्जी तो केसरी का टाइटल दिया जाएगा और साथ में गदा गुर्ज दिया जाएगा। ये एक पहलवानी आगे बढ़ाने के लिए कमेटी का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी कमेटी का तहे दिल से बहुत धन्यवादी हूँ कि उनकी वजह से ये जो हमारी खेल है कुश्ती वाली ये आज जिंदा है और आगे बढ़ रही है। बच्चों को खुराक खाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए ये सारे दंगल हो रहे हैं। जितने भी जहां दंगल कमेटी आई हैं मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत आभारी हूँ।